हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओवन चैनल मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जिनमें एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एंड दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे बेहतरीन स्टॉक जो कि ब्लू चिप रहने वाले हैं और उनके बारे में एक बार स्टडी जरूर करेंगे, जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी 50 इस जगह पे ओपन होता है, ठीक है, अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है। प्राइस एक्शन बनाने के बाद इसमें जो एक गिरावट देखने को मिलती है। अभी हमारी जो रेंज रहने वाली है दोस्तों, ये वाली रेंज है। अगर निफ्टी यहीं कहीं पे ओपन होता है और प्राइजेक्शन बना के फिर दोबारा से अगर गिरता है, तो इसके बाद आपको जो लेवल दिखने को मिलेंगे वो दिखेंगे 18,800 के आपको लेवल दिखने को मिल सकते हैं। बट दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ये 3 दिन से मार्केट में जो फॉल आया हुआ है, तो अभी जो है इसमें एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। अगर ये वाली लेवल क्रॉस करती है तो आपको अपर साइड में जो है एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा कोशिश हो कि आपने ट्रेड करना है, क्योंकि इसमें जो है ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कल के दिन एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी होने वाली है। तो होगा क्या, अगर यहीं कहीं पे ओपन होके अगर इसको ब्रेक कर देता है करीब 11 से 12 बजे के आसपास, तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड में। एंड इस जगह पे कहीं आ जाता है प्राइस 11-12 बजे के आसपास और फिर प्रोजेक्शन बना के अगर नीचे ब्रेक करता है, उसके बाद जो है इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ना दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक दोस्तों यहाँ पे ओपन हुई थी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ऊपर गई, प्रोजेक्शन बनाया, प्रोजेक्शन बना के जो यहाँ से गिरावट देखने को मिली थी। और आज मॉर्निंग में मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था इस जगह पे 43,311 के आसपास कि इसमें जो है गिरावट एक्सपेक्टेड है। अगर 43,240 ब्रेक करता है तो इसमें एक गिरावट देखने को मिलेगी, और वो गिरावट देखने को मिली दोस्तों। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो इसने अचीव किया, उसके बाद किया इसने बाउंस बैक, देन यहाँ पे जो सस्टेन नहीं कर पाई, फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो आज मैंने जो है इसमें 43,300 पे ही मैंने अपना ट्रेड ले लिया था, और ये अपना रहने वाला था SL, ठीक है। उसके बाद आराम से मैं बैठा रहा, यहाँ पे आके मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, मैंने यहाँ पे निकाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, बाउंस बैक मार गया, बट फिर दोबारा से जब यहाँ पे सस्टेन करके जब यहाँ से फिर ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड और ले लिया और उसको मैंने इस जगह पे निकाल दिया था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि 43,000 पे जो है ये बाउंस बैक मार सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है निकाल दिया था 42,960 के आसपास मैंने जो है इसको निकाल दिया था। उसके बाद ये कंसोलिडेशन करती रही। अब कल देखते हैं कल क्या होता है दोस्तों। कल के लिए दोस्तों ये वाली लेवल रहने वाली हमारी इंपॉर्टेंट, अगर यहीं कहीं पे ओपन होती है बीच में, ठीक है, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल है 43,000 अगर ब्रेक करती है तो फिर एक बाउंस बैक आपको मिल सकता है 200 तक का। अगर यहीं कहीं पे ओपन होकर ब्रेक डाउन देती है तो फिर से एक मूवमेंट मिलेगी आपको, फिर नए लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं 500 के, ठीक है। अगर गैप डाउन होकर यहाँ पे कोई हैमर ऑफ टाइप की कैंडल बनाती है, तो हो सकता है वापस से प्राइस यहाँ आके टच करे और फिर उसमें जो है एक प्रोजेक्शन बना के फिर से गिरावट देखने को मिले। एंड अगर कहीं गैप अप ओपन होती है और फिर प्रोजेक्शन बना के ऊपर की तरफ निकलती है, तो आपको ये वाले लेवल भी देखने को मिल सकते हैं 43,200। ना दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ बेहतरीन स्टॉक जिनमें एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बजाज कंज्यूमर दोस्तों, इसमें मेरे को एक चीज़ें नज़र आ रही है, एक इंस्टीट्यूशन प्राइस है और इसमें एक अच्छा प्रोजेक्शन बना हुआ है। तो एज़ पर माई एनालिसिस मैं तो ये कहूँगा कि इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा कल के हाई का, मतलब आज के हाई का, और उसके बाद फिर से ये कंटिन्यू मोमेंटम दिखा सकता है। तो आप इस पे जो नज़र रख सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं एंड इसको स्विंग के लिए भी आप जो है स्टडी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हो के दोस्तों आसी सॉन्गवांग, आप इसको देख पा रहे हैं, अगर ये इस वाली लेवल को ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छे जो है इसको हम पोजिशनली स्टडी कर सकते हैं। ये स्टॉक दोस्तों हमारे प्रीमियम मेंबर हैं रविंदर जी, उन्होंने जो है स्टॉक को सजेस्ट किया है, तो उनकी एनालिसिस को बहुत ही रेस्पेक्ट देता हूं मैं। उन्होंने कई बार जो है कई स्टॉक्स हमें जो है आप लोगों के लिए दिए हैं और उन्होंने खुद ने भी ट्रेड किया उनमें, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और उसके बाद जो मैंने भी इसको एनालिसिस किया था, तो मुझे भी यही लग रहा है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ब्रेकआउट देगा और उसके बाद जो है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों, थोड़ा सा कोशिश हो कि आपने जो ट्रेड करना है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में जो डाउन ट्रेंड चला हुआ है, तो इस स्टॉक्स में भी ज़रूरी नहीं है कि ये अपसाइड में जाए, हो सकता है यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो ये वाला आपने SL ज़रूर रखना है, ये स्ट्रिक्ट SL है बिल्कुल, ठीक है। तो इस पे आपने स्टडी करना है, फोकस करना है इस पे। एंड दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ब्लू चिप स्टॉक जिनमें हमें जितने भी गिरावट होती है उतनी गिरावट पे हमने जो है एक्युमुलेशन कर लेना चाहिए। सबसे पहला स्टॉक है हमारा HDFC बैंक दोस्तों, ये ट्रेड कर रहा था 1750 के आसपास,
ठीक है, अभी ये हमें मिल रहा है 1500 के आसपास, और मैं कहता हूँ अगर और भी हमें नीचे मिलता है 1400 के आसपास अगर ये हमें मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। इसमें जो है हम एक्युमुलेशन कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, इसमें एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी, बट ये पोजिशनली रहने वाला है। एंड दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, अगर ये स्टॉक मेरे को कहीं पे 800 के आसपास अगर मिलता है तो मैं डेफिनेटली इसको जो है एक्युमुलेशन करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको स्टडी कर सकते हैं। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है हमारा। ये कभी ट्रेड कर रहा था 2600 के आसपास एंड अभी ये जो आया हुआ है दोस्तों 2250 के आसपास, और अगर ये हमें और भी नीचे मिलता है 2000 के आसपास अगर ये हमें मिल जाता है तो वेल एंड गुड, हमें बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे जो है मिल जाएगा और हम इसको जो है स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये लर्निंग एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।